Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 8 mathematics. This is the next question of 11.2, question number 5. Okay, अब देखो ये क्या है, ये आपको एक डायग्राम गिवन है और इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखो ये स्पेसिफिकली थ्री डायग्राम से मिलके बना हुआ है. ठीक है, कौन कौन से? दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन. और ये थ्री डायग्राम्स इसमें इंक्लूड है. ठीक है, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. ठीक, ये है. अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 50 और विड्थ कितनी है 30, कितना आ गया 1500, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, अब देखो यहां ध्यान से देखना, अगर ये 50 है तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा और ये कितना होगा. ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस होंगे तो 50 हो गया 70 में से, ये टोटल डिस्टेंस है 70, ये 50 हो गया तो ये कितना होगा 10 और ये भी 10 होगा. तभी तो वो टोटल मिलके कितना हुआ 70, 50 प्लस 10 प्लस 10 तभी हुआ ना 70. ठीक है, समझ गए. मतलब इसकी हाइट कितनी गिवन है आपको, ट्रायंगल की हाइट कितनी गिवन है आपको 10. ठीक है, यहां भी कितना है 10. ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच. ठीक है, तो 1/2 बी विच मीन्स दैट बेस कितना है 30 और एच हाइट कितनी है 10. ठीक है, ये आपने कैंसिल आउट किया, कितना आया 15 टाइम्स 150. ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया है. ठीक है, और एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल सेम मेजरमेंट है. ठीक है, सेम फॉर्मूला सेम मेजरमेंट है, कितना आएगा 150. ठीक है, 30 इंटू 10. ठीक है, कितने टाइम्स 15 टाइम्स, कितना आ गया इसका भी एरिया 150. ठीक है, अब देखो इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब 1500 ठीक है प्लस 150 प्लस 150 कितना आ गया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया टोटल एरिया, विच मीन्स दैट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, कर लोगे. अब देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको ट्रेपेजियम गिवन है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आपको इसको सॉल्व कर लेना है. ठीक है, ये आप कर लोगे. अब देखो क्वेश्चन 6 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, द लेंथ ऑफ अ ऑफ हूज पैरेलल साइड्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स इज 25 सेंटीमीटर. सेम क्वेश्चन है. ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे आप ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है 1/2 इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब देखो 1/2 हाइट कितनी है, हाइट है आपका 25 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहां पे आपने क्या करना है, सम करना है किसका किसका, पहला साइड का. तो पहला साइड गिवन है 60 एंड 80, 60 प्लस 80, इसको सॉल्व कर लोगे ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, ठीक, कैंसिल आउट करके आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना. ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6. ठीक, अब देखो सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन 5th सेकंड करना है. ठीक है, अब क्वेश्चन 7 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ए सी डी बी ई एफ. पॉलीगन आपको गिवन है, जो डायग्राम गिवन है आपको, ठीक है, और उसका एरिया आपको बताना है. ठीक है, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेंथ दी हुई है, मैं केवल लेंथ बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कहाँ क्या लेना है, रेक्टेंगल लेना है कि आपको ट्राइंगल लेना है, ठीक है, ट्रेपेजियम लेना है, और आप खुद ही इसको सॉल्व करोगे. जैसे मैंने अभी क्वेश्चन 5th फर्स्ट बताया है वैसे ये होगा. ठीक है, अब देखो ये आपका डायग्राम गिवन है. ठीक है,
अब देखो ये पॉलीगन आपको गिवन है, इसका एरिया टोटल फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और इसका एरिया आपको फाइंड आउट हो जाए। इसमें आप देख रहे होगे कहीं ट्रायंगल दिख रहा है, कहीं आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, कहीं आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके आंसर जो आएंगे उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। देखो ये मैंने सपोज ट्रायंगल लिया, ठीक, ये फर्स्ट वन, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल। मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, केवल आपको हिंट दूंगी, ठीक है। AL कितना है? 80। AL कितना है? 80, यानी बेस कितना हो गया? 80, ठीक है। और आपका CL कितना है? 50। हाइट कितनी हो गई? 50, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां से आपने ट्रायंगल फर्स्ट का आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। बेस और हाइट की वैल्यू मैंने बता दी, ठीक। अब देखो ए एम की वैल्यू गिवन है, देखो ये है ए एम, ए एम ये वाला, ठीक। अब एक बात बताओ, ए एल 80 है तो एल एम की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो कितनी आएगी? सिंपल सी बात है, आप बोलोगे मैम 20 आएगी। कैसे? ए एम माइनस ए एल इज इक्वल टू एल एम। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, ठीक है। इस पूरे में से आपने इतना एरिया अगर माइनस कर दिया तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी लेंथ मिल जाएगी इस लाइन सेगमेंट की, ठीक है। ए एम कितना है? ए एम है 100, ए एल की वैल्यू है आपका 80। कितना आ गया? 20। एल एम की वैल्यू कितनी आ गई? 20, ठीक। समझ गए? एल एम इज इक्वल टू कितना आ गया? 20, ठीक। ये आपने कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब आपको एम एन की वैल्यू गिवन नहीं है, अब आपको किसकी गिवन है? ए एन की। ध्यान से देखो, ए एन की 160। तो एक बात बताओ, ये पूरा एरिया है, ये 100 है, तो एम एन कितना होगा? सिंपल सी बात है, आप बोलोगे मैम 60। क्या किया मैंने? ए एन में से माइनस किया किसको? ए एम को। तो ये एरिया किसका मिल गया आपको? एरिया नहीं, लाइन सेगमेंट की लेंथ, ठीक है। एम एन मिल गया, ठीक है, समझ गए। ए एन कितना है? 160 है, ठीक। माइनस ए एम कितना हो गया? 80 प्लस 20, 100, या फिर गिवन है आपको ए एम की वैल्यू 100, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास? एम एम कितना आ गया? 60, ठीक। अब देखो इतना क्यों किया मैंने, ये है आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द सेकेंड डायग्राम, ठीक है, समझ में आया, ठीक। ये लेंथ, लेंथ कितनी हो गई? 60 प्लस 20, 80, ठीक है। और डीएन की वैल्यू आपको गिवन है, डीएन कितना है? 60 है, जस्ट अ सेकेंड, ये डीएन 60 है, ठीक है। सीएल ये 50 है, ठीक, ये क्या है? 60 है, देखो जब आप बुक में देखोगे, ठीक है, और जो मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो ये रेक्टेंगल का शेप आपको लगेगा, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। अब आप बोलोगे कैसे? ध्यान से देखो, ये 50, अगर रेक्टेंगल होता तो 50 ही होती डीएन की वैल्यू, ठीक है, नहीं है लेकिन, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट कितनी है? 80, ठीक है। और पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? 50 एंड 60, तो उनका क्या होता है? सम होता है, यानी 50 प्लस 60, ये आ गया आपका सेकेंड का एरिया, ठीक है। थर्ड आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। थर्ड कैसे करोगे? आप देखो AB की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, और AN माइनस कर दोगे किसके आ जाएगी? NB की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो AN कितना है आपके पास? 160 है, ठीक है, और AB कितना है? AB है 240, 240 में से 160 आपने माइनस किया, कितना आ गया यहां से? 80, ठीक। यानी ये हो गया आपका 80 बेस, और हाइट कितनी है यहाँ पे? डीएन की वैल्यू 60, यानी थर्ड जो है उसका क्या होगा? 1/2 इंटू 60 इंटू 80, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब देखो फोर्थ भी क्या है यहाँ पे? ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। एएफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 30, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। कैसा डायग्राम है ये, देखो ये, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब देखो ये 30 गिवन है आपको, और आपको एम ई, ई एम, या फिर कितना गिवन है? ई एम 40, तो ये गिवन है आपको 40, ठीक है।
पहला साइड्स का सम करोगे आप, यानी 1 अपॉन 2 इनटू 100, 100 क्यों है हाइट, 80 प्लस 20, ठीक है, 100 इनटू 30 प्लस 40, ठीक है, ये करोगे आप, यहां से आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये ट्रायंगल, ठीक, बेस कितना है आपका 60 प्लस 80, ये पूरा बेस है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 इनटू 60 प्लस 80, ये हो गया बेस, 140 इनटू हाइट कितनी है 40। अब आपने क्या करना है, ये जितना भी मैंने लिखा है ना, इन सबको सॉल्व करके जो जो आंसर आएगा उस सबको बस क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। बेस कितना है 80 है और आपका हाइट कितना है 50। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ये जो आपका ये लिखा हुआ है ना, दिस इज फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये आपको सॉल्व करके क्या करना है, ऐड करना है बस, ठीक है, समझ गए। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 80 मीटर एंड 60 मीटर व्हाइल इट्स एल्टीट्यूड इज 4 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अब देखो जो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1 अपॉन 2 इनटू हाइट इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो वही आपको हिंट में गिवन है, ठीक है, तो वही करना है आपको, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या करना है आपको, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 91 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 8 सेंटीमीटर, फाइंड द टू पैरेलल साइड्स। अब देखो क्या है, एरिया गिवन है आपको और हाइट गिवन है, ठीक है, और जो फर्स्ट साइड है वो सेकंड से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आपको टू पैरेलल साइड्स बताना है। सपोज अगर मैंने लिया फर्स्ट, क्या है फर्स्ट पैरेलल साइड, क्या है पैरेलल साइड, कितना है एक्स है, ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड एक्स प्लस 8, ठीक है, फर्स्ट से 8 ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन में है आपको। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 2 इनटू हाइट इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है आपको, 91, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इनटू हाइट है आपका 7, ठीक है, और ये फर्स्ट और सेकंड क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे x प्लस 8, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपका आ जाएगा फर्स्ट पैरेलल साइड, ठीक है, समझ गए। देखो कैसे करोगे आप, 91 अपॉन 7 इनटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, ठीक है, और यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, शिफ्ट करके, ठीक, तो वो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट पैरेलल साइड, और सेकंड में क्या करोगे, x की जो वैल्यू इसमें 8 ऐड कर देना है, ठीक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।